शेयर जूस, लेमन जूस, शेयर लेमन जूस। इसमें पियेंगे ऐसे? रुको रुको, अभी तक ये शुगर ऐसा ही है। हाँ, शुगर ऐसे ही है और इसमें ना सीड्स भी ऐसे ही है। हमें आज मोमेंट घर में है तो पता नहीं उनको क्या क्या मन हो रहा है करने का। और ये कुछ डालने वाले हैं इसमें? अच्छा, ये ही है लेकी। ओके, ये है तो इसको तो थोड़ के डालेंगे ना मोमेंट, टेस्ट आएगा। उसको क्रश करके डालेंगे तब आएगा टेस्ट। ओके, क्या तोड़ ने गेस्ट को बना रहे, हमको खुद को बना रहे ना। तो भी टेस्ट आना है ना मोमेंट। ठीक है, करिए। होए भगवान, ये क्या किया मोमेंट आप। और ऐसे ही देखो, ये यहाँ पे लेमन इस पे डाल के छोड़े हैं, ये ऐसे छोड़े हैं, पूरा नीचे भी पूरा गिरा है। क्यों, अच्छा नहीं बना क्या मोमेंट? क्या कमी है? शुगर? नंग शुगर देखो। थैंक यू। कैसा है मैं? हाँ, मस्त है। रिएक्शन स्टार्टिंग का तो बहुत खराब था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है फ्राइडे, नो, आज है सैटरडे और डेट आई थिंक 3 अप्रैल है। और आज मैं सुबह सुबह वॉक की हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है कि मैं बिना स्नान किए नहीं रह पाई हूँ, तो मैं स्नान भी कर ली हूँ। और यहाँ पे हमारा राइस बन के रेडी है और साथ में सिर्फ मुझे लेमन राइस का जो मसाला होता है वो बनाना है। तो अभी कर लेते हैं पूजा, उसके लिए लेके आना होगा फ्लावर, और फ्लावर है हमारे पॉट में जो प्लांट्स लगा है उसमें, तो चलिए लेके आते हैं। तो मैं यहाँ वॉश करके ऑलरेडी रखी हूँ प्लेट जिसमें फ्लावर रखेंगे, तो चलिए। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को मेरा पंपकिन, देखिए इतना बड़ा हो गया है। गए हैं नहाने के लिए, तब तक मैं रेडी करके रखती हूँ क्योंकि जाना है उनको साइट पे, और मैं तब तक रेडी नहीं करूँगी ना तो ऐसे बोलना शुरू करेंगे अभी तक नहीं बना ऐसे। तो फटाफट रेडी करती हूँ। का जो ये रैक्स है ना, ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है अभी मेरा, तो पता नहीं अब कब होता है, जब टाइम मिलेगा तो होगा, धीरे धीरे होगा, इतना कोई इमरजेंसी नहीं है ना। एंड ये अनियंस है जिसको मैं रात में ही कट करके रखी थी, मुझे पता था सुबह सुबह लेट होता है, तो थोड़ा बीच में मेरा ना रूटीन जो है ना वो अच्छे से फॉलो नहीं हो पा रहा था एक दो वीक से, तो मैं सोची कि नहीं अब थोड़ा फिर से फॉलो करना ज़रूरी है।
हाँ मैम, तो इस वजह से मैं थोड़ा अब फिर से अपना रूटीन जैसा पहले बीच में था मेरा बहुत अच्छा हो गया था, उस वजह से मैं थोड़ा वेट भी अपना लूज की हूँ। एक्चुअली अच्छा रहने से क्या होता है ना, खाना पीना भी ना करेक्ट टाइम पे होता है और उस वजह से ना हेल्थ भी थोड़ा अच्छा रहता है। मेरा वेट भी थोड़ा कम हुआ था, मैं अच्छे से रूटीन फॉलो कर रही थी। बीच में पता नहीं अभी 2 वीक से मुझे क्या हो गया, थोड़ा काम का भी प्रेशर हो गया, थोड़ा बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा कुछ कुछ तो भी हो रहा है, तो रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, तो मोमेंट को भी करेक्ट टाइम पर नहीं दे पाते खाने के लिए, तो उनको भी प्रॉब्लम होने लगेगा थोड़ा दिन बाद हेल्थ का। तो अभी मुझे करेक्ट रखना है रूटीन, स्पेशली खाने पीने का तो बिल्कुल रखना है, और मैं वॉक करना भी बीच बीच में छोड़ देती थी, तो अभी वॉक भी बिल्कुल कंटिन्यू अच्छे से करूँगी, तो मे बी फिर से थोड़ा वेट मेरा गेन तो नहीं हुआ है, लूज़ जो हुआ था वही हुआ है, और रूटीन जब फॉलो नहीं कर रही थी तो मेंटेन था वेट, अभी तो वेट लूज़ करना पड़ेगा। उसके आगे का बोलो ना, ओम नमः शिवाय, उसके आगे का क्या तो भी मंत्र पढ़ते हैं, पता नहीं हूँ आज तक मुझे नहीं पता चला है क्या मंत्र है। वो जो होता है ना पंडित लोग जिस जो फ्लुएंसी में बोलते हैं या जो टोन होता है जो उनका, उसमें कुछ तो बोलते हैं। तो यही मैं मोमेंट को टिफिन में दे दूंगी और मेरे आफ्टरनून का लंच भी हो जाएगा। ये बन चुका है हमारा लेमन राइस, मोमेंट का टिफिन भी पैक हो चुका है, एंड इसमें ना कोरिएंडर लीफ मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि कोरिएंडर लीफ नहीं है घर में। और मोमेंट चले गए हैं ऑफिस और मैं भी लग जाती हूँ काम करने में, तो चलिए काम करती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। क्लीन करने वाली हूँ, ये मेरा लेमन का प्लांट है, इसमें ना पता नहीं छोटा छोटा मीली बग जैसा ना कुछ आ गया है, तो ये देखिए आपको दिखाते हैं, कि ये ना पूरे लीफ में ना इस तरह से ही आ गया है, तो मैं इसको ना हैंड वॉश डाली हूँ और पानी डाली हूँ इसमें, इस दोनों को मिक्स की हूँ और इस पर पूरा डाल के मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि इसको छोड़ देंगे ना तो फिर बहुत सारा आ जाएगा। सारे मिलीबग आ जाते हैं ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, इस पर तो ना डिफरेंट कलर का थोड़ा आता है, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर का आता है, बट दूसरे जो ये सब है ना, ये जो है ना ये वाला प्लांट मनी प्लांट वगैरह, उस पर ना पूरा वाइट कलर का जो मिलीबग होता है ना वैसा वाला आता है, उसको हटाना एकदम मुश्किल है ना, मतलब ऐसा
डायरेक्ट से नहीं हटता रहता है ये, मतलब उसको ऐसे बस पानी डाल दिया और हट गया, वैसा नहीं है, बहुत बदमाश से बहुत मुश्किल से हटता है। तो मैं इस कर रही हूँ ये ब्रश का यूज़, बहुत सॉफ्ट ब्रश है ये, और इसके हेल्प से मैं इसको हटाती हूँ क्योंकि ऐसे हटता नहीं है हैंड से, और उसका एक भी रह गया ना तो फिर से वो हो जाता है। तो कितना भी आप वॉश करो ना एक तो एग रह ही जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दिन पे तो मुझे वॉश करना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है, क्या करना। ऐसे आराम से भी ना नहीं हटता है, मतलब हल्का सा एक बार ऐसे कर दिए और हट गया, वैसा भी नहीं, मतलब। तो मैं इसको पूरा क्लीन कर दी हूँ और ये सिस्टम में इसको लगाई थी, ये तो आप लोग पहले देख ही चुके हैं, मैं जो बचा हुआ जो ऑयल का बॉटल होता है ये वाला ऑयल का बॉटल, तो उसको मैं इस तरह से ही कट करती हूँ एंड फिर बना देती हूँ, तो ताकि जो ये पानी है ना, अगर मैं एक दो दिन के लिए अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ तो मैं पूरा फिल करके जाती हूँ पानी, ताकि रूट्स आराम से पानी ले सके एंड मेरा प्लांट ख़राब ना हो। तो ये मैं पूरा क्लीन कर दी हूँ, पानी भी अच्छे से डाल दी हूँ और इसको नहा भी दी हूँ मेरे प्लांट को अच्छे से। तो मैं इसको अब रख देती हूँ बालकनी में।